नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, कहने को तो अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी एक ही गठबंधन में है, लेकिन न जाने क्यों बीजेपी बार बार अजीत पवार को झटके दे रही है। कभी बयान दे देते हैं, कभी जो है उनके ही पार्टी के नेता तोड़ के अपने पार्टी में मिला लेते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अजीत पवार आखिर ये सब कब तक झेलेंगे और कब तक सहेंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अजीत पवार को झटका देने में। अब वहां पर जो है साल 2024 की बात बताऊं तो विधानसभा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र के बाद साल के अंत में झारखंड में भी होने हैं, और अजीत पवार की पार्टी दोनों ही राज्यों में बीजेपी के साथ गठबंधन की भूमिका में है, लेकिन दोनों ही जगहों पर बीजेपी अजीत पवार को झटका देने में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हार के लिए अजीत पवार को जिम्मेदार ठहरा दिया सीधे सीधे, वहीं झारखंड में चुनाव से पहले अजीत पवार की पार्टी के एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष को भी बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया। बैक टू बैक अजीत पवार को लगे इस झटके के बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी अजीत पवार के साथ कोई प्रैंक कर रही है। आखिर किस तरीके का गठबंधन है ये जहां अपनी ही पार्टी को तोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी को पहला झटका सीट शेयरिंग में लगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, और इस फॉर्मूले के तहत अजीत पवार की पार्टी को मात्र 55 से 60 सीटें देने जा रहा है महायुति गठबंधन, या बीजेपी कह लीजिए। और कहा अजीत पवार की एनसीपी ने 90 सीटों की मांग काफी समय पहले की थी, वहीं अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी की बात करें तो 80 से 85 और बीजेपी खुद 150 से 160 सीटों पर लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, ऐसी खबर है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है, अभी तक आई नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की कुल 288 सीटें हैं। दिलचस्प बात है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास वर्तमान में 38 विधायक हैं, जबकि अजीत पवार की पार्टी के पास 40 एनसीपी और 2 जो अभी हाल ही में कांग्रेस की पार्टी थी उसको छोड़ के जो गए हैं उनको मिला ले तो टोटल 42 विधायक के आसपास उनके पास है। इसके बावजूद सीट शेयरिंग में अजीत पवार को तवज्जो जो है वो कम दिया गया है। अब सियासी गलियारों में सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले को अजीत पवार के लिए झटका के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा झटका कब लगा उन्हें? लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजीत पवार बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की रडार पर है। महाराष्ट्र में हार के लिए बीजेपी ने लोकल नेता है कि लगातार अजीत पवार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अजीत पवार जब इन नेताओं के बयानों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे हालांकि, लेकिन अब बीजेपी के विधान दल के जो विधानमंडल दल के नेता है देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी ये ठीकरा जो है वो अजीत पवार पर ही फोड़ा, जब कहा कि इस हार के लिए अजीत पवार की एनसीपी जो है जिम्मेदार है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोकसभा में इसलिए हारे क्योंकि हमें अजीत पवार की जो पार्टी है उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। फडणवीस का कहना था कि गठबंधन में जो समर्थक हैं अजीत पवार को लेकर असहज थे और इसीलिए हम कई सीटों पर हार गए। इनका कहने का मतलब था कि जो बीजेपी के वोटर्स थे वो भी कहीं ना कहीं नाराज हुए, और जो अजीत पवार के एनसीपी के वोटर्स थे वो भी कन्वर्ट नहीं हुए बीजेपी के लिए वोटों में। और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अजीत पवार पर फडणवीस के इस सियासी मायने जो है इस बयान के कई सारे निकाले जा रहे हैं। तीसरा झटका जो लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, झारखंड वाला। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं साल के अंत तक, और यहाँ अजीत पवार की पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक था, और अजीत पवार की उसी के सहारे झारखंड में पांव पसारने की तैयारी में थे अजीत पवार। लेकिन चुनाव से पहले एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह को बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया। हुसैनाबाद से एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने अमित शाह और हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात के बाद बीजेपी में जाने का फैसला किया। सिंह ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और वे लंबे वक्त से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, यानी कि एनसीपी में थे, और कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने से अब अजीत पवार की पार्टी को झारखंड में एनडीए की तरफ से शायद ही सीट मिले। ऐसे में इसे महाराष्ट्र के बाहर पार्टी के विस्तार को झटके के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अजीत पवार को बीजेपी झटका क्यों दे रही है ये भी सोचने समझने वाली बात है। इसकी एक वजह अजीत पवार के प्रेशर पॉलिटिक्स को कम करना है। एनडीए में आने के बाद भी अजीत पवार मुख्यमंत्री पद की रट लगाए हुए हैं। अजीत पवार कई सार्वजनिक मौकों पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। वर्तमान में एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री हैं। अगर एकनाथ शिंदे हटते हैं तो बीजेपी अपने कोटे से किसी को सीएम की कुर्सी सौंप सकती है, और अजीत पवार को झटका देने की दूसरी वजह अपने समर्थकों को साधे रखने की रणनीति है। बीजेपी अपने समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि
कि वो अजीत पवार के डिमांड के सामने झुक नहीं रही। अब देखिए एनसीपी जो टूटी थी उसके बाद वो एनडीए में शामिल हुए थे अजीत पवार काफी सपनों के साथ, और कभी जितने उनके नेता साथ में आए थे मायावती में उनके भी बहुत सारे सपने थे, हालांकि कितने पूरे हुए नहीं हुए वही बखूबी जानते होंगे। जुलाई 2023 में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर गए थे, एनडीए में शामिल हो गए थे। उस वक्त अजीत पवार के पास 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जो है वो सरकार को समर्थन दे दिया उन्होंने। अजीत पवार को उसका इनाम मिला और उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। अजीत पवार इसके बाद से ही एनडीए में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी को 4 ही सीटें मिली सिर्फ इस बार, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 1 पर ही जीत हासिल कर पाई। लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस के बाद से ही अजीत पवार की पार्टी बीजेपी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनके समर्थकों और उनके नेताओं के निशाने पर है। और ये जो तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो गठबंधन में होने के बावजूद भी ये तीनों ही दल आपस में तलवारें खींचे हुए हैं, खींचतान इनके भीतर जबरदस्त तरीके से चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक ये माहौल बना हुआ था कि बीजेपी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, और जिस तरीके की हवा बना हुआ था कि इस बार भी 14 और 19 की तरह, साल 2014-19 की तरह महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी जो है उसी तरीके से उसी मार्जिन से जो है वो जीतेगी, और इसी की उम्मीद सब लगा के रखे थे मायावती की जितने भी पार्टियां हैं। लेकिन रिजल्ट आने के बाद पूरी महाराष्ट्र में और पूरी जनता में और पूरे नेताओं को, सारे पॉलिटिकल नेताओं को ये पता चल गया कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है, और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो फिर किसी भी तरह के समझौते से जो है वो बीजेपी के साथ इनकार करने लगी। और आप देखिए जो सीट शेयरिंग हो रही है इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी पूरे दमखम के साथ जो है वो सीटें मांग रहे थे, इनके सीनियर नेता मांग रहे थे। और हालांकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि हो वही रहा है जो बीजेपी चाह रही है, और खुद 150 से 160 सीटों पर लड़ने की जो तैयारी है वो बीजेपी की है, और एकनाथ शिंदे जो कि 100 सीटों के आसपास करीब मांग रहे थे वो भी 80 से 85 सीटों के आसपास हैं, और अजीत पवार की एनसीपी को सबसे कम सीटें यानी कि 55 से 60 सीटें मिलने जा रही हैं। और हो सकता है कि जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, अभी जो चर्चा चल रही है इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, तो अगर यही सीट शेयरिंग के नंबर्स रहे तो जाहिर सी बात है कि अजीत पवार की एनसीपी में कई सारे नेता जो हैं वो बुरा लग सकता है उन्हें, उनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हो सकती है, और ये वजह बड़ी वजह बन सकती है कि कई सारे महायुति के नेता टूटेंगे और फिर वो पाला बदलेंगे। ये इसकी भी पूरी पूरी गुंजाइश जो है वो जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी और अजीत पवार के गठबंधन की कहानी मैं आपको बता रहा था, गजब के रिश्ते हैं, सरकार जो है वो साथ में बनाते हैं और साथ में काम करते हैं, और उसके बाद फिर एक दूसरे की पार्टी को, एक दूसरे के पार्टी के नेताओं को ही तोड़कर अपने पाले में मिला लेते हैं। गजब की खींचतान है। ऊपर ऊपर से देखने में देखिए तो लगता है कि तीनों दल जो है वो मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो खींचतान है, जो पिक्चर बन रही है उसको देखें तो लगता है कि कितना जुझारूपन है इन पार्टियों में कि अपने अपने हित को साधने के लिए और अपनी अपनी हैसियत को बड़ा बनाने के लिए कि चुनाव में अगर हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि सीटें भी ज्यादा जीत कर लाने की चांसेस बढ़ेंगे, और इस पर अपनी बात मनवाई जा सकती है चुनाव बाद, और जब कहा जाएगा कोई बात कहेंगे ऐसे पार्टी के नेता तो उनका वजन होगा। इसी के लिए पूरी कवायद चल रही है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।